बच्चों, आफ्टर एसिटामाइड अब हम बात करेंगे एस्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। इनकी डेफिनेशन क्या है और कैसा इनका नोमेनक्लेचर है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रिपरेशन है, ये सब हम देखेंगे। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड एस्टर्स। बेसिकली हम एस्टर ही पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव है ये ऑर्गेनिक एसिड्स के। और COOH कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन हम एल्काइल समूह से जब कर देते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। इट इज़ एबंडेंटली प्रेजेंट इन ट्रीज, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ऑयल एंड फैट आर एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स एंड द कॉमन ऑफ हायर फैटी एसिड्स फॉर्मूला इज RCOOR। ये हम जब केमिस्ट्री हम ले रहे हैं 11th 12th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है एस्टर का, जहाँ पर R एंड R प्राइम कैन बी सिमिलर और डिफरेंट। नॉमेनक्लेचर में हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मिथाइल फॉर्मेट, जहाँ एक कार्बन HCOO देन एल्काइल ग्रुप CH3, और जनरली हम इसको बोलते हैं मिथाइल मैथेनोइड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इथाइल एथेनोइड का, जिसे आप इथाइल एसिटेट भी कहते हो, CH3COOC2H5। तो ये तो बात हुई इसमें सिंपल प्रेजेंटेशन की। आइसोमेरिज्म का अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके का समावयवता यहाँ पर पाई जाएगी। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह और एस्टर आपस में समावयवी होंगे। चेन आइसोमेरिज्म मीन्स एक श्रृंखला बनती है, यहाँ पर टू आइसोमर्स आर प्रेजेंटेड बाय दिस, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं मिथाइल ब्यूटाइरेट। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से प्रेजेंट है कि कार्बन की श्रृंखला पूरी चल रही है और फिर हमारा एस्टर ग्रुप एक तरह से कंबाइंड हो रहा है। हम इसको चेन को चेंज कर सकते हैं और इसको हम बना सकते हैं प्रतिस्थापी या पार श्रृंखला के रूप में CH3 लगा करके, और इससे हम कहते हैं मिथाइल आइसो ब्यूटाइरेट। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समूह समावयता, इथाइल फॉर्मेट है और इसी का समावयव बनेगा प्रोपियोनिक एसिड। इस तरह से मेटामेरिज्म मध्यवयता के रूप में अगर हम देखें इसको, तो इथाइल फॉर्मेट और मिथाइल एसिटेट, यहाँ पर हम इसको ग्रुप हम चेंज कर रहे हैं। अब हम मेन उस पर आते हैं प्रिपरेशन पर कि हम इसको बनाएंगे कैसे। एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन, ये सबसे पहले हम देख रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लाइक 10% सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक गैस भी ले सकते हैं, हम इसको रिफ्लक्स करते हैं एल्कोहल के साथ और हमें एस्टर यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऑर्डर जो होगा एस्टरीफिकेशन का एल्कोहल माध्यम में, उसका जो क्रम है यानी किस में ज़्यादा फास्ट होगा, वो है प्राइमरी, देन उससे कम सेकेंडरी और लास्ट में टर्शरी। एस्टरीफिकेशन ऑफ एसिड विथ अनब्रांच्ड चेन इज फास्टर देन एसिड विच इज़ ब्रांच्ड चेन। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर एक मैकेनिज्म, हम देखें एसिटिक एसिड हमने लिया है CH3COOH और अभिक्रिया हो रही है एल्कोहल के साथ अम्लीय माध्यम में, जैसा कि भी अपन ने देखा 10% कंसर्व H2SO4 या HCl गैस हम ले रहे हैं, ये बनेगा इथाइल एसिटेट। इसी तरह से अगर यहाँ बेंजाइल एल्कोहल हम ले लें तो ये बनेगा बेंजाइल एसिटेट। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है, H+ जैसे ही गया तो ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और ये बनाता है कार्ब एनायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया एक तरह से ये। और अब जब एल्कोहल से अभिक्रिया होगी तो फाइनली इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग ही होती है और एस्टर हमको मिलता है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, दोबारा रिएक्शन सारी रिपीट ही हो रही है। CH3COCl, सबसे पहले हमने इसको पढ़ा ही था एसिटिल क्लोराइड का, और एल्कोहल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये बनेगा इथाइल एसिटेट। इसी तरह से अगर एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो एसिटिल क्लोराइड की जगह हम ले सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स विथ एल्काइल हैलाइड गिव्स एस्टर। तो यहाँ पर भी हमको एक तरह से आयोडाइड फॉर्म में लिया है अपन ने ये इथाइल आयोडाइड, और AGI बनेगा, साथ में हमारा प्रोडक्ट बनता है। बाय कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड्स टिशन को अभिक्रिया, बाय नेम ये रिएक्शन भी आती है एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है, संघनन अभिक्रिया है यहाँ पर। और हम ले रहे हैं यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और यहाँ पर
जो कैटलिस्ट है वो है एल्यूमिनियम इथोक्साइड, तो ये अपने बनाएगा एस्टर। फिर है डाई एजोमेथेन से हम कैसे बना सकते हैं इसको, एसिटिक एसिड ही हम ले रहे हैं, CH2N2 हमने लिया और मिथाइल एसिटेट अपने को मिलता है। कीटीन, अभी पिछला भी अपन एस्टरमेट देखा था उसमें मैंने देखा था कीटीन को, तो कीटीन की अभिक्रिया यहाँ पर ROH एल्कोहल कोई भी हम ले सकते हैं, R का मतलब जनरल प्रेजेंटेशन है ये, एथेनॉल मेथेनॉल एंड सो ऑन, ये बनेगा एस्टर, जनरल रिएक्शन है ये। रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बोरोन ट्राई फ्लोराइड BF3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है BF3, उसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा है ईथर को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करें तब भी हमको एस्टर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, जहाँ नॉर्मल है इसका कलर, टेम्परेचर एंड सो ऑन। तो ऑर्डर ऑफ एस्टर इज सिमिलर टू फ्रूट, और हम कह सकते हैं फ्रूट लाइक स्मेल होती है इसकी, प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं एस्टर का। लो मोलिकुलर वेट एस्टर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट एज मोलिकुलर वेट इज इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी। केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं इट शोज़ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना हम देख सकते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहे हैं और हमको अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जल अपघटन। जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है तो जिन चीज़ों से बना है वही हमको वापस मिलता है, एसिड और अल्कोहल यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। प्रैक्टिकल में भी हम करते हैं, जब काइनेटिक्स का प्रैक्टिकल कम करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर ये चीज़ आती है कि हाइड्रोलिसिस एस्टर का जब करते हैं तो एसिड और अल्कोहल अपने को मिलता है। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, अम्ल की उपस्थिति में, जो अपन MI में भी हमने देखा था अभी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कार्बेनायन हमने को मिलता है और जब दोबारा से हम रिएक्शन करते हैं तो रिवर्सिबल साइन रिएक्शन है ये कंटिन्यूशन में, और प्रोडक्ट इस तरीके से ये बनेगा एसिड के रूप में। इसी तरह से क्षारीय माध्यम में करेंगे तब भी हमको यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और प्रोडक्ट अपने को मिलता है। अमोनोलाइसिस अमोनीकरण अभिक्रिया होगी NH3 के साथ और यहाँ पर ये बनता है एसिटामाइड। तो एसिटामाइड की जो बनाने की विधि है वो इसकी प्रॉपर्टी, तो रिएक्शन यहाँ पर एक ही हमने को ध्यान रखनी है। ट्रांसएस्टरीफिकेशन या एल्कोहलाइजेशन, जहाँ पर एस्टर की अभिक्रिया हो रही है एल्कोहल के साथ और ये प्रोडक्ट बनता है इस तरह से, ब्यूटेनॉल भी यहाँ पर फॉर्म होगा। मैकेनिज्म अगर हम देखें, सबसे पहले जैसे एस्टर ए है, RC11OOR इसको अलग करने के लिए प्राइम बोल रही हूँ मैं, और जैसे ही हम कह रहे हैं कि H+ के साथ अभिक्रिया हुई, अम्लीय माध्यम है ये, तो यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था बनेगी जहाँ पर बॉन्ड ना तो टूटा है ना बना है। तो OH के साथ, जो ऑक्सीजन परमाणु है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, फर्दर रिएक्शन होती है एल्कोहल के साथ, दोबारा से OR भी यहाँ पे जुड़ेगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये एस्टर एल्कोहल दूसरा जुड़ करके एस्टर बी के साथ जुड़ता है। इसी तरह से बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, जहाँ पर बेस यहाँ पे लिया है OR नेगेटिव। बात करते हैं एसिडोलाइसिस की, जहाँ पर वैलरिक एसिड और इथाइल एसिडेट आपस में अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल और इथाइल वैलरेट का निर्माण करते हैं। रिडक्शन ऑफ एस्टर विथ डिफरेंट रिएजेंट्स फॉर्म्स प्राइमरी एल्कोहल। सोडियम और एल्कोहल के साथ जब अपचयन अभिक्रिया होती है तब ये बनाता है एल्कोहल, और हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्रोमाइट हम ले रहे हैं, और करीब टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करते हुए प्रेशर भी मेंटेन करते हैं करीब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और एल्कोहल अपने को मिलता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैटलिस्ट जिस जिस चेंज होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट की जो नेचर है वो भी चेंज हो रही है यहाँ पर, और ये बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट, चार अणु अपने को मिलते हैं। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स एसिड हाइड्रेजाइड। एंड लास्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बनेगा टर्शरी एल्कोहल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा। यूजेस एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फेट, रेजिन, सेल्यूलोज एसेट्रा, प्लास्टिसाइजर एंड टू जनरेट आर्टिफिशियल टेस्ट एंड अरोमा। तो बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यूनिट अपना थर्ड, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। दो यूनिट और हमारी बची है, उसे भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।